टंकी लगने के लिए जो पाइपलाइन होना है ना, वो सब हो गया है। ये जैसे देख सकते हैं, ये किचन का है, ये दोनों किचन में जाता है, ये दोनों किचन में जाता है, ये दोनों इस साइड के बाथरूम में। ये देख रहे हैं, ये हम लोग साइड पे टंकी लगाना है। ये टंकी लगेगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे टंकी लगेगा। इसमें दो लगेगा, 1,000 का दो टंकी लगेगा। चलते हैं देखते हैं ऊपर। चलिए आप लोग ले चलते हैं छत पे, वहाँ हम लोग का काम हो रहा है, दिखाते हैं। अभी आधा काम हुआ है, बाकी हो रहा है। इसी में हम लोग का जो पाइप लगेगा ना, वो रेलिंग में ही लगेगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक रेलिंग में पाइप लगेगा, यहाँ तक। ये सब बाथरूम से आया हुआ पाइप है, इसी में 1.5 इंच का पाइप कनेक्ट होगा सप्लाई जाने के लिए। वैसे आगे भी है और चारों तरफ है, इस तरफ है दो बाथरूम और इससे आगे दो बाथरूम और साइड में भी है, लेकिन ये सब सब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें सारा पाइप में बैंड लगा के पहले अंदर कर लेंगे, उसके बाद इसमें वॉल वॉल वगैरह लगाएंगे, चाबी वगैरह जो भी है इसमें लगाएंगे। ये दोनों पाइप के बीच में ना इतना गैप होना चाहिए कि आपका टी लग जाए आराम से। अब इसको भी उसी की तरह कट करके बैंड लगाएंगे और चाबी लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंची का टी लगाएंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जल्दी करते हैं इसको भी। क्लेम काट के पकड़ के
कीजिए। घुमाइए एक बार पाइप को, उसके बाद सीधा कीजिए। चलिए रेस से बाहर मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा हेलमेट पकड़ ले, नीचे चल उठा लो, तो चल बोलेगा। पाइपिंग का इधर से इधर से होते हुए फिर ये दोनों भी जो जा रहा है ना, ये दोनों बाथरूम में जा रहा है, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे। ये भी एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बाथरूम में जा रहा है। यहाँ से होते हुए फिर एक नल यहाँ पे है और एक इधर ग्राउंड फ्लोर में एक बाथरूम है उसके लिए है। आयो मेन बल्ब बल्ब हो गया, अब बाकी टंकी इसके ऊपर होना है वो लगेगा, तो फिर दिखाते हैं। ये है पाइपलाइन का काम, जो कि ऊपर से इधर से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर वहाँ से यहाँ पे ख़त्म। ये हम लोग का इनलेट हो गया यहाँ से आएगा। अभी यहाँ का काम बाकी है, इसका वीडियो बाद में बनेगा। यहाँ पे टंकी वगैरह लगेगा दोनों में, यहाँ पे एक टंकी इधर होगा, एक टंकी यहाँ पे होगा, दोनों टंकी यहाँ पे लगेगा, इसका वीडियो बाद में बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस पाइपलाइन के लिए जो कंप्लीट हो गया है।